हे एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल। आज का वीडियो उन हस्बैंड वाइफ के लिए है जो अक्सर दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला दूसरे व्यक्ति को समझता नहीं है या फिर सामने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, और दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहती है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं देता है या फिर वो आपको पसंद नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर रिलेशनशिप में होती है। ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ है, ये हर हस्बैंड वाइफ को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ समझदारी से, कुछ दिमाग से आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिलेशन को ख़त्म ही कर दें। आपको उस रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत बन जाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पास ही में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप में कभी कभी पार्टनर से बहस होना आम बात है, लेकिन जब हर बात पर आपकी लड़ाई हो या फिर मनमुटाव होने लग जाए तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखकर पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। सहानुभूति या कंपैशन रखें। पार्टनर होने से पहले आपका प्यार एक इंसान है, इसीलिए किसी भी बात को शुरू करने से पहले उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। इससे आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने में बेहतर ढंग से सफल होंगे। एक दूसरे को टाइम दें। रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए उन्हें टाइम और एफर्ट, समझ और कंपैशन की ज़रूरत होती है। अपने पार्टनर की ज़रूरतों, मेंटल स्टेट और इच्छाओं को समझना हमेशा आसान नहीं होता है। भले ही हम यह सोचें कि हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप जो सोचते हैं वो गलत हो, ऐसे में आप हमेशा खुद को सही साबित नहीं करें। प्यार के कनेक्शन को समझें। यह समझना ज़रूरी है कि प्यार कैसे काम करता है। ऐसे में हर प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले प्यार के कनेक्शन को फील ज़रूर करें। हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्यार में किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। दूसरों के बजाय खुद को कंट्रोल करें। एक्सप्रेस करने का मौका दें। बात को सुलझाने के लिए आपको बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वाइफ की आदत होती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी की भी आदत हो सकती है कि वह सामने वाले को बिना सुने ही अपना फैसला सुना देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना है। ऐसे में पार्टनर को मौका दें कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, उनसे पूछें कि आखिर उन्हें आपसे प्रॉब्लम क्या है और वो क्या चाहते हैं। इस तरह इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप आपस में बात नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों के बीच में किस बात को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। और जब तक आप उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन काफ़ी हद तक बिगड़ चुका होगा। इसीलिए रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा आपस में हर बात को डिस्कस करना चाहिए कि आप दोनों को एक दूसरे से किस चीज़ से प्रॉब्लम है, और उसे दूर करना चाहिए। इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।